नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद उनकी भाभी ने भी कह दिया दुनिया को अलविदा। रविवार का दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री समेत पूरे भारत के लिए बेहद दुख भरा रहा था। जहां पर सुशांत सिंह राजपूत ने खुद की जान ले ली थी, तो वहीं अब बीते दिन सुशांत सिंह राजपूत की भाभी के भी दुनिया को अलविदा कहने की खबर सामने आई है। खबरों की माने तो उनके पैतृक आवास पूर्णिया में उनके चचेरे भाई की पत्नी सुधा देवी की जब से सुशांत सिंह राजपूत के इस कदम की खबर मिली थी, तब से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। और जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई, वैसे ही उन्होंने भी अपनी आखिरी सांस ली। इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के इस कदम के बाद उनके पिता, मौसी, चचेरे भाई, भाभी, उनकी बहन सब के सब सकते में है। हालांकि अभी तक सुशांत सिंह राजपूत ने किस परेशानी की वजह से यह कदम उठाया, इस बात की कोई खास जानकारी नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर में 6.8 तीव्रता के साथ कांपी धरती। जम्मू कश्मीर में आज सुबह 7 बजे 6.8 तीव्रता के साथ कंपन महसूस की गई है, जिसके बाद सुबह सुबह ही कई सारे लोग घर से बाहर आते दिखाई दिए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में यह कंपन के बाद किसी के जान गंवाने की खबर सामने नहीं आई है। आपको बता दें, सुबह 7 बजे तजाकिस्तान के दुशांबे में सबसे पहले झटका महसूस किया गया था। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि दिल्ली और गुजरात में भी कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बाद से कई बार झटकों को महसूस किया गया है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो जम्मू कश्मीर में आए झटके का कारण धरती की प्लेटों में काफी हलचल पैदा होने की वजह से हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों की अगले साल तक सैलरी बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं। कोविड-19 के इस माहौल के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अहम सूचना, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अपने एनुअल अप्रेजल यानी इंक्रीमेंट के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा। आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट के लिए केंद्र सरकार ने तारीख आगे बढ़ाकर मार्च 2021 तय कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप मार्च 2021 तक किसी भी कर्मचारी को इंक्रीमेंट की सुविधा नहीं दी जाएगी, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में एक ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। ऑर्डर में साफ तौर पर कहा गया है कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे कि अब ग्रुप ए, बी, सी के अधिकारी और कर्मचारी सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। गूगल मैप के जरिए अब आसपास के जांच केंद्रों की मिलेगी जानकारी। कोविड-19 के इस माहौल में गूगल अपने यूजर का खास ख्याल रख रहा है, और यही कारण है कि अब गूगल ने अपने सभी आम नागरिकों की सहूलियत को देखते हुए एक नई सेवा की शुरुआत की है, जिसकी मदद से अब सभी लोग अपने आसपास के कोविड-19 के जांच केंद्रों के बारे में आसानी से पता लगा सकेंगे। खबरों की माने तो गूगल में अब से लोगों को आसपास के कोविड-19 जांच केंद्रों की जानकारी साझा की जाएगी। गूगल का नया फीचर 9 भाषाओं में उपलब्ध है। प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार यह सेवा उन लोगों के लिए ज्यादा कारगर साबित होगी जिन्हें जांच कहां करवाना है इस बात की कोई जानकारी नहीं मिलती है। नरेंद्र मोदी की चिट्ठी पर प्रवासी मजदूर ने दिया जवाब। कोविड-19 माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा था। इस पत्र में कोविड-19 के इस माहौल में आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया गया था और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भी बात कही गई थी। इतना ही नहीं, अपने द्वारा जारी किए गए चिट्ठी में उन्होंने किए गए कामों का भी उल्लेख किया था, जिसके बाद अब प्रवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी का जवाब दिया है। इसके तहत प्रवासियों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को यह तय करना है कि उन्हें पब्लिक के साथ सेवा करना है, उन्हें न्याय दिलाना है। हमारी सोच यही है, जो करना है सरकार को ही करना है। हम सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, सरकार हमें इंसाफ दे। आश्वासन तो बहुत दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मदद भेजेंगे, रेलवे मदद भेजेगा, कंपनी वाले मदद करेंगे, लेकिन हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। पाक एक बार फिर से गिरा औंधे मुंह। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। हाल ही में पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर राग UNHRC के 43वें सत्र में आलापा है, जिसके बाद पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाने पर राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए भारत के स्थायी सचिव सेंथिल कुमार ने इस्लामाबाद को राइट्स फोरम का दुरुपयोग करने पर फटकार लगाई है। उन्होंने पाकिस्तान को सख्ती दिखाते हुए साफ कहा है कि वह किसी भी अवांछित सलाह देने से पहले अपने यहाँ के मानवाधिकार स्थितियों का आत्मनिरीक्षण करे। पाकिस्तान में मानवता के खिलाफ होने वाले वाक्यों पर परिषद का ध्यान आकर्षित करते हुए भारत ने यह भी कहा कि जिस तरह से योजनाबद्ध और संस्थागत तौर पर पाकिस्तान अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रहा है, वह देखने वाली बात है। पाकिस्तान को पहले अपने मसले को सुलझाना चाहिए, उसके बाद भारत के आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी करने के बारे में सोचना चाहिए। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए दरों को तय करने की कही बात। कोविड-19 बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। पहले तो सरकारी अस्पतालों में ही कोविड-19 संक्रमित मरीजों के इलाज की अनुमति दे दी गई थी, मगर अब प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज के प्रावधान को शुरू करवाया जा रहा है। हालांकि कई ऐसी खबर सुनने में आई थी कि कई प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सख्ती से एक दर तय करने का आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए कीमत तय करे। वहीं इस बात से मंत्री ने यह भी कहा है कि कई राज्य ऐसे भी है जहां पर पहले से ही कोविड-19 की जांच और इलाज को लेकर अपने राज्यों में अस्पतालों की कीमत तय कर दी गई, मगर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर प्राइवेट अस्पतालों में मनमानी तौर पर पेश आ रहे हैं।
लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमत में नहीं मिली राहत। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच बंद में मिली छूट में पेट्रोल और डीजल की कीमत ने अभी भी आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा रखी है। लगातार 10वें दिन भी इनकी कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 75.16 रुपए प्रति लीटर थी, तो वहीं डीजल 73.39 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था। मुंबई में यह कीमत 83.62 रुपए प्रति लीटर थी। डीजल की कीमत 73.75 रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 80.37 रुपए थी, तो वहीं डीजल 77.17 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 78.55 रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई है, तो डीजल 70.84 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था। नोएडा की बात करें तो यहां पर 78.25 रुपए पेट्रोल की कीमत ही, तो वहीं डीजल 68.43 रुपए प्रति लीटर दिया जा रहा था। रांची में 75.44 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम तय किए गए थे, तो वहीं डीजल 71.51 रुपए में दिया जा रहा था। पटना में 80.47 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत दर्ज की गई है, तो वहीं डीजल 73.30 रुपए दर्ज किया गया है। आज है स्ट्रीट डांसर के नाम से मशहूर मिथुन चक्रवर्ती का जन्मदिन। आज मिथुन चक्रवर्ती अपना जन्मदिन मना रहे हैं। बॉलीवुड में डिस्को डांसर के नाम से मशहूर मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1952 को हुआ था। मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरंग चक्रवर्ती भी है। उन्होंने 1980 के दशक के अपने पहले सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में अपनी पहचान बॉलीवुड में बनाई थी। इतना ही नहीं, मिथुन एक एक्टर के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि उन्होंने हिंदी के अलावा भी कई भाषाओं में फिल्मों में काम किया है। आपको बता दें, मिथुन चक्रवर्ती ने हिंदी के अलावा बंगला, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, पंजाबी भाषा में 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में दिन प्रतिदिन हो रहा है इजाफा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खबरों की माने तो योगी आदित्यनाथ अब 10 मिलियन फॉलोअर्स वाले ग्रुप में शामिल हो गए हैं। जानकारों की माने तो उनकी लोकप्रियता का ग्राफ कोविड-19 के इस माहौल के बीच सबसे ज्यादा बढ़ा है, और यही कारण है कि ट्विटर पर उनके फैन फॉलोइंग बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अपने ट्विटर हैंडल पर 10 मिलियन फॉलोअर्स के साथ अब वह देश के प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री की सूची में अभी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल उनसे आगे है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अमरिंदर सिंह, शिवराज सिंह चौहान, अशोक गहलोत, ममता बनर्जी जैसे कई प्रभावशाली मुख्यमंत्री उनसे काफी पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ की टिप्पणी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजवाल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कोविड-19 के इस माहौल में सभी लोगों की आर्थिक परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। यह परेशानी इतनी ज्यादा है कि शहर से लेकर गांव तक काफी लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसके बावजूद यह समझ से परे है कि मोदी सरकार अब कब जागेगी, गरीबों की मदद के लिए सरकार अब किस वक्त आगे आएगी। सिर्फ रणदीप सुरजवाल ही नहीं बल्कि कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार से प्रवासी मजदूरों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की मांग उठा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कई बार इस बात की मांग करते हुए कहा है कि सरकार को आर्थिक ताकत से हटकर सीधे मजदूरों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने चाहिए। इतना ही नहीं, मनरेगा में रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाकर 200 दिन किए जाने की भी मांग की गई है। अर्थव्यवस्था की रिकवरी को लेकर मॉर्गन स्टैनली ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है, और यही कारण है कि अब अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में अनलॉक 1 को लागू किया था, जिसके बाद अब भारत में अर्थव्यवस्था को लेकर मॉर्गन स्टैनली ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था विस्तार की नई साइकिल के दौर से गुजर रही है। वह चौथी तिमाही तक या कोविड-19 के पहले स्तर पर पहुंच जाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि वी आकार वाले आर्थिक रिकवरी पर हमें ज्यादा भरोसा है। यह इसलिए भी है क्योंकि हाल ही के दिनों में ग्रोथ डेटा कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। उन्होंने आगे कहा है कि असंतुलन की वजह से उत्पन्न हुई परेशानी ऐसी नहीं है कि लंबे समय तक चलेगी। इस समय में मध्यम स्तर पर सबसे ज्यादा दबाव होगा। रामविलास पासवान ने अगले साल से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लागू होने की कही बात। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने 31 मार्च 2021 तक पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लागू किए जाने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 1 जनवरी 2020 को 12 राज्यों में इस योजना को जोड़ दिया गया और अगले साल 31 मार्च तक इसे पूरे देश से जोड़ दिया जाएगा। खबरों की माने तो 1 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ा गया था, जिसके बाद 1 मई को बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन द्वीप को इस योजना से जोड़ा गया था। वहीं 1 जून को उड़ीसा से मिजोरम को इस योजना से जोड़ा गया है। 1 अगस्त को उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर को जोड़ने की तैयारी जारी है, जिसकी मदद से किसी भी राज्य में सरकारी राशन दुकान से राशन कार्ड धारक आसानी से अनाज अब खरीद सकेंगे। जोमैटो ने अब घर घर सब्जी पहुंचाने का उठाया दारोमदार, जिसका ऐलान खुद जोमैटो ने ही किया है, जिसके तहत जोमैटो ने बताया है कि सफल स्टोर के साथ हुए करार के बाद अब सफल के सब्जी स्टोर से जोमैटो का डिलीवरी बॉय घर घर फल और सब्जियां पहुंचाने का काम करेगा, जिससे कि सभी आम नागरिकों को घर के बाहर सब्जी की खरीदारी के लिए नहीं निकलने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी किया जा सकेगा। आपको बता दें, कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार सभी लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का
का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड आम नागरिकों के लिए कितना सहायक साबित होगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।